हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट कुछ विशेष शब्दों के लिए आधुनिक हिंदी में व्यंजनों के आधार पर चिन्ह निर्धारित कर दिए हैं, जिन्हें सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट लाइन के ऊपर लाइन में लाइन काटकर लिखा जाता है। और ऐसे शब्दों के लिए निर्धारित चिन्ह को सब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए देखिए, जैसे लाइन के ऊपर हल्का संपूर्ण, लाइन में समय, ये दोनों रहेंगे हल्का। इस तरीके की आकृति ये है लाइन में सेम आकृति, आकृति पहले ही वैसे लाइन में है। ये है मध्य या मतलब ये दोनों लाइन में हल्का। लाइन के ऊपर ये है चार, चाहे चाहो चाहना चाहनी चाहनी या फिर चाहिए, ये एक शब्द से इतने सारे शब्द बनेंगे। आपको वाक्य में रूप पढ़ना है, ये लाइन काटकर ये है अच्छा, अच्छे, अच्छी, ठीक है। ये भी है हल्का और ये भी है हल्का। लाइन के ऊपर सहा या सुबह, लाइन में सब, सबसे, सुबह या रात। लाइन काट कर ये है सबक या सबक, ठीक है। ये भी बनेंगे गाढ़ा। लाइन के ऊपर सब भी मैं है गाढ़ा, ये है संबंध। भाई ने बनाया ये है संबंध।
संबद्ध, ये जो रहेंगे बारह, लाइन के ऊपर लाइन काटकर जीविका लाइन के ऊपर नाग, ये मन माना, लाइन में ये है मानव माने लाइन जिन्होंने बनाएंगे हल्का लाइन के ऊपर क्या मैंने कहा गाढ़ा लाइन के ऊपर ये है आ या जाए लाइन काटकर ये है जरूर या जो लाइन काट कर जरूर जरूरी ठीक है ये ठीक रहेंगे गाढ़ा लाइन के ऊपर गाढ़ा है ये है जियो लाइन में ये है जी लाइन काटकर ये है जनरल ठीक है सभी को आया हमने ये रहने के बाद लाइन ऊपर जब मैंने कहा कि छोटा सा बना रहा है खास तो देखिए वो कैसे बना रहा है जब मैंने ये हल्का ये गाढ़ा रहेगा ये हल्का रहेगा एक बार फिर से देखिए ये है आदमी या जमी लाइन में ये गाढ़ा रहेगा कि हल्का रहेगा ये रहेगा गाढ़ा ये रहेगा हल्का ये है धूमी ये गाढ़ा रहेगा कि हल्का रहेगा ठीक है जो भी लाइन के ऊपर
ये है कोई भी। हम प्रथम बची में भी जुड़ा है हल्का, ये हम गाया है ना, ये भी जुड़ा है ना हल्का रहेगा, ये हम गाया है ये भी हल्का रहेगा, ये है हम भी। लाइन के ऊपर, लाइन में, ये तुम भी। लाइन के ऊपर छोटा सा हल्का, ये है क्या हल्का, ये है भी। लाइन में छोटा सा समलिंग जोड़ने से बन जाएगा सभी। लाइन के ऊपर छोटा सा खुला, ये है भी। मैं ठीक है, अभी तो समझ में आया ना कि
ये रहेगा हल्का, ये रहेगा गाढ़ा, उसके बाद ये हल्का और ये भी आएगा हल्का। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसे बताऊंगा। ओके।